पता नहीं क्या तमाशा लगा रखा है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये लड़की थी कौन, इसे किसने भेजा था और उसका मकसद क्या था। हमें परेशान करने के अलावा उसका क्या मकसद हो सकता है? किंजा मुझे नहीं लगता कि ये लोग रुखसती करेंगे, ये सब इससे बहुत गुस्से में। शहजाद को शक नहीं बल्कि यकीन हो गया, खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। रुखसती का सवाल तो तब पैदा होता ना जब निकाह हुआ होता, अब तो कोई उम्मीद नहीं है। मेरा भाई ऐसा नहीं है। ये तो हम जानते हैं, लेकिन वो लड़की जिस बेखौफी के साथ तैमूर की और अपनी तस्वीरें दिखा रही थी, मुझे नहीं लगता कि उन तस्वीरों को देखकर किसी को भी तैमूर की बेगुनाही पर यकीन आएगा। तुम जाओ, जाके देखो, हो सकता है कि तैमूर ने ज़ारा को मना लिया हो, बात बन गई हो। देखती हूँ। भाभी आप लोग यहाँ पे रुके, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? जिसने ये सारा मसला क्रिएट किया उसको मैं ढूंढने जा रहा हूँ। कहाँ पार होते फिरोगे? इस लड़की को कहाँ सड़कों पर ढूंढोगे, कहाँ मिलेगी? वो हमारा इंतजार थोड़ी कर रही होगी। कब्र में भी होगी तो उसको ढूंढ के लाऊंगा जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। तैमूर, सोनिया, अभी तक उन लोगों को आ जाना चाहिए था, अभी तक कोई नहीं आया। तुम यहाँ क्यों सो रही हो? क्या दुल्हन आ गई? अभी तक नहीं आई, इसी बात की तो फिक्र है। तो जाओ अपनी फिक्र गम परेशानी एक प्लेट में डालो, आंसू छिड़क कर खा जाओ और मेरी जान छोड़ो, सोने दो मुझे। अगर तुम्हें किसी ने सोते हुए देख लिया क्या करेंगे हम? अभी तो कोई आया तो नहीं है ना, जब आ जाएगा तो मुझे उठा देना। अभी तो मैं मजे के ख्वाब देख रही थी यार, मेरा राजकुमार कब आएगा? जाओ मुझे अपने राजकुमार को ना ख्वाबों में देखने दो, जाओ सोने दो मुझे। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हाय सुनो ना यार, अभी मुझे जगाना नहीं।